सिरसा में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं सिरसा को समझता हूँ पिछले 15 साल में, तो बहुत बारीकी से समझते हैं। हमारे सभी साथियों ने वहाँ पोस्टर लगा करके सवाल पूछे हैं 5-7, और वो सवाल जनता के सवाल हैं कि भाई ये जो आपने जो परिवार पहचान पत्र है, क्योंकि खट्टर साहब आए, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया उसका, और परिवार पहचान पत्रों में बहुत धांधली है। प्रॉपर्टी आईडी और ये जो प्रॉपर्टी जो टैक्स के माध्यम से, वो उसमें पूरी गड़बड़ी है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको अमित शाह से आपने सवाल किए, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ने सवाल किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का मुझे पता चला है, कल कुर्सियाँ खाली रहेंगी, रैली फ्लॉप होगी। इससे तो देश ने ही उम्मीद छोड़ दी, और देश ने जब उम्मीद छोड़ी 2014 में, क्योंकि कई मौके दिए, तो जब उम्मीद छोड़ दी तो उसके बाद भाई उनको ठिकाने लगाने का काम किया। अब उम्मीद है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से, तो इसलिए मुझे नहीं लगता प्रभारी बदल, वो प्रभारी कोई बदल रहे है। एक गुलाम गया, दूसरा गुलाम आया, तीसरा गुलाम आया, गुलामों की बदला अदली हो रही है, और कांग्रेस का जो है सूर्यास्त हो रहा है। अध्यक्ष का नाम उदयवान है और मामला सारा अस्त। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश को सर्वोच्च गौरव दिलाने वाले खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा के, उनके साथ सबसे पहले तो इस तरह की घटना यौन शोषण की, और जब उन्होंने उस उत्पीड़न को लेकर के भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने बात रखी, तो उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन 3 महीने पूरे होने के बाद भी जब नहीं हुआ, तो उनको जहाँ जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समाज, वो जाकर के जंतर मंतर पर बैठता है, फिर वो जंतर मंतर पर बैठे, और जंतर मंतर पर किस तरीके से दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, कैसे उनको गंगा मैया में अपने मेडल बहाने के लिए ये कॉल देना पड़ा, फिर किसान संगठनों के बीच बचाव के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर उन्होंने वो फैसला वापस लिया। और अब जिस तरह के बातें आ रही हैं, तो चार्जशीट भी कमज़ोर चार्जशीट बनाने की कोशिश हो रही है। पुलिस तो पहले ही से ही कह रही है कि भाई इसके खिलाफ कोई चार्जशीट भी जब दाखिल नहीं हुई थी, उससे पहले ही पुलिस ने कह दिया था कि कोई सबूत नहीं मिले। तो इससे पता चलता है कि लीपापोती चल रही है, लेकिन खिलाड़ियों को बिल्कुल निराश हताश नहीं होना चाहिए। जो देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं, वो अपनी लड़ाई भी खुद लड़ सकते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।